सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं इस रास्ते से अभी गुजर रहा था तो एक बहुत बड़ी सी धर्मशाला नज़र आई, तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ अपने वीडियो में। और ये धर्मशाला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने करे कमलों से बनवाया, और ये 2022 में ही ये धर्मशाला का उद्घाटन हुआ है। और आपको मैं कैमरा बैक करके धर्मशाला का व्यूज़ दिखा रहा हूँ, किस तरह की धर्मशाला है, कितनी बड़ी है और कितने बड़े एरिया में बनी हुई है, और बम सब को क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है। मैं दिखा रहा हूँ बम सब कितने आराम से सोए हुए हैं, और आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कितनी बड़ी धर्मशाला बनी है जो कि हमारे केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है। गाइस देखिए, हमारे ठीक सामने ये कितनी बड़ी धर्मशाला है, जो कि मैं आपको इसका एक पार्ट दिखा रहा हूँ। और देखिए कितनी सारी लाइट की व्यवस्था की गई है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइट, देखिए कितनी भव्य तरह की लाइट से सजाई गई है। और यहाँ पे कहीं भी आपको मिट्टी नहीं मिलेगी, इतने बढ़िया से की गई है। और आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, आप बने रहें। देखिए ये हमारे झारखंड के सीएम, जो कि इनका नाम है हेमंत सोरेन जी, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और ये आप देख लीजिए, एक बिल्डिंग इस तरफ में है और एक इस तरफ में भी है, पता नहीं, मैं उधर जाने से पता चलेगा। उधर लगता है वॉशरूम वगैरह बनाया गया है फ्रेश होने के लिए। और इस तरफ में देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये कांवड़ स्टैंड यहाँ भी है। और आप वीडियो में बने रहें, आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे ठीक सामने एक और बिल्डिंग है, जो कि देखिए कितनी बड़ी भव्य बिल्डिंग बनाई गई है। और इस तरफ में देखिए कितनी बड़ी एरिए में ये कांवड़ स्टैंड बनाई गई है, जो कि मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस कांवड़ स्टैंड पर कांवड़ भी रखी हुई है, जो कि हमारे कांवड़िया भाई बंधु जो कि अंदर धर्मशाला में विश्राम कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह की कांवड़ स्टैंड बनाई गई है। और ये दिखाने के बाद फ्रेंड आपको दिखा रहा हूँ ये बाहर से बिल्डिंग। और बाहर से बिल्डिंग दिखाने के बाद फ्रेंड आप वीडियो में हमारे बने रहें, और अंदर से दिखा रहा हूँ कितने बढ़िए से कंवरिया भाई बंधु सोए हुए हैं। और देखिए कितनी अच्छा व्यवस्था इस जगह पे की गई है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा। और देखिए कितनी साफ सुथरा ये जगह है, हाइजीनिक तरह की व्यवस्था इस जगह में है। और आपको दिखा रहा हूँ अंदर से, देखिए ये सोने की व्यवस्था है। और आपको दिखा रहा हूँ इस जगह से भीतर आने के बाद, इस जगह पे आप अपनी मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल सॉकेट भी लगाई गई है। और इस तरफ में देखिए हमारे बम बंधु सोए हुए हैं। और देखिए आप, मैं इस तरफ में खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए कितने बढ़िया ये पंखे की व्यवस्था की गई है। और कितनी बड़ी ये हॉल है, ओ भाई साहब, ये हॉल देखिए कितनी बड़ी है। और ये हॉल जितनी बड़ी बनी हुई है, नेक्स्ट लेवल की ये हॉल बनी हुई है। और जगह जगह आप देखिए ऊपर से आपको वायर के साथ लटका दी गई है, जगह जगह पे आप अपने, जूम करके दिखा रहा हूँ, इस जगह पे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं गाइस। हर बेड के सामने एक मोबाइल सॉकेट दी गई है। और अभी देखिए हमारे बम बंधु सोए हुए हैं। और आपको इस तरफ भी दिखा रहा हूँ, और गाइस देखिए जैसे कि इस तरफ में भी एक बिल्डिंग बनी हुई है, ये टोटल गाइस तीन बिल्डिंग है।
और छोड़ नहीं यार, ये गाइस टी कॉर्नर है जो कि आप यहाँ पे टी वगैरह पी सकते हैं। और इस जगह पर ठंडी पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था है, आप ठंडे पानी उन्हें पी सकते हैं। इस तरफ में दो चार स्टॉल बनाई गई है और यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ भी है शुद्ध पेयजल, और ये शुद्ध पेयजल के लिए चार फ्रिज लगाई गई है। और देखिए गाइस ये कितनी बड़ी एरिया में बनाई गई है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाई गई है। और जैसे कि गाइस मोदी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी जब तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे इस तरह की धर्मस्थल पे इस तरह का आपको काम देखने को मिलेगा। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और हम लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। और गाइस आपको दिखा रहा हूँ, मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस तरह के कल रात में इस तरफ का नहीं दिखाया था आपको, बाउंड्री वगैरह दिखा रहा हूँ कैसे बनी है क्या है। गाइस जैसे कि देखिए ये बाउंड्री वॉल में मंदिर की आकृति बनाई गई है, आप देखिए हर जगह हर पिलर के बीच में ये मंदिर की आकृति बनाई गई है। और देखिए मतलब आपको इस जगह में दर्शाई गई है जो यहाँ से थोड़ी ही दूर में बाबा बैद्यनाथ धाम की मंदिर है, तो इस तरह की दर्शाई गई है। और बाउंड्री देख लीजिए भाई साहब, और आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि यहाँ पे गाइज आप जैसे कि देख सकते हैं पुरुष शौचालय लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह जाके नहा धो के फ्रेश हो सकते हैं। और ये इतनी बढ़िया बनाई गई है, अंदर में इतनी साफ़ सुथरा है, और हम लोग अंदर ही जाके नहाए हैं। नहा के देखिए एक बम वहाँ से, देखिए ये छोटू बम है, और छोटू बम को देखिए अभी छोटू बम दातुन कर रहे हैं। और आप जैसे कि देख लीजिए छोटू बम को, और यहीं पे हम लोग फ्रेश होके दातुन किए, दातुन करने के बाद वॉशरूम जाके नहा के और अभी निकला हूँ यहाँ से। और आपको जैसे कि आप देख लीजिए कितनी बड़ी एरिया में बनी है ये, और एग्जैक्ट तो पता नहीं लेकिन ये करीबन विकास बम कितना होगा ये एरिया, 6-7 एकड़ करीबन मान के चलिए 7-10 एकड़ की ये जगह है। और काफ़ी बढ़िया व्यवस्था की गई है हमारे केंद्र सरकार मोदी जी के तरफ से, और जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग जैसे जानते ही हैं मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। आज हमारे देश में इतने सारे डेवलप के कार्य वगैरह हो रहे हैं तो ये सारे मोदी जी का देन है। और सबसे ज़्यादा तो देश में हमारे किसी भी जगह पे धर्म स्थल है तो उस धर्म स्थल का कायाकल्प मोदी जी अपने हाथों से किया करते हैं, जैसे कि काशी विश्वनाथ का भी किए हैं, और उसी तरह उसी का एक छोटा सा ये वानगी देख लीजिए जो यहाँ पे किए हैं। इस तरफ में भी देखिए इतनी बड़ी हॉल है भाई साहब, जो आप यहाँ पे आराम से देखिए नीचे बिछाई गई है जाजिम, और इस पे चद्दर वगैरह आप डाल के आप सो सकते हैं। और जैसे कि सुनने में आया जो बैद्यनाथ धाम की भी कायाकल्प होगी, जो कि रास्ते वगैरह ठीक नहीं है, एरिया बहुत कंजेस्टेड है, गाड़ियाँ जा नहीं पाती है उस जगह पे, तो वो सब भी साड़ी होगी। और आपको जैसे कि दिखा रहा हूँ वीडियो जूम करके गाइस, ये सारे फूड कॉर्नर वगैरह बने हैं लेकिन ये अभी चालू हुए नहीं है फूड कॉर्नर। एक फूड कॉर्नर चालू हुआ है जो कि कल मैं आपको अपना वीडियो में दिखाया हूँ, कुछ कह जाए तो कौन सा जगह है,